नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल हैव यू रिसीव्ड सेक्शन 148 नोटिस। आप कहेंगे भाटिया जी, आपने इस विषय पर क्या ये वीडियो बनाई? मेरा यहां पर सीधा सा तात्पर्य यह है सर कि इन दिनों आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से असेसीज एट लार्ज को सेक्शन 148 के नोटिसेस इशू किए गए हैं। तो ये सेक्शन 148 का नोटिस का अभिप्राय यानी मीनिंग क्या है और इस 148 के नोटिस के कंप्लायंस में आपको क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वही सारे बिंदु लेकर के आज की इस वीडियो के थ्रू आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। तो दोस्तों, अपनी बात को क्विकली आपके सामने कवरेज के रूप में रखता हूं कि क्या क्या पॉइंट्स मैंने आज की वीडियो में कवर किए हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 148 नोटिस, हाउ टू रिस्पॉन्ड सेक्शन 148 नोटिस, व्हाट इफ यू हैव ऑलरेडी फाइल ITR प्रीवियसली अंडर सेक्शन 139, व्हाट इफ यू डोंट फाइल एन ITR इन रिस्पॉन्स टू सेक्शन 148 नोटिस, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। तो इन प्रश्नों का उत्तर सर आगे के डिस्कशन में मैं आपके सामने रखता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 148 नोटिस। मैं यहां पर जो अभी ऑलरेडी सेक्शन 147, सेक्शन 148 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बिफोर अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2021 चले आ रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि नई व्यवस्था कुछ परिवर्तित व्यवस्था है उस पर मैं अलग से वीडियो लेकर के आपके सामने आऊंगा। लेकिन जो पुरानी व्यवस्था थी सर, उसमें भी सेक्शन 148 का पर्पस यही था कि असेसी से अगर डिपार्टमेंट के पास रीजन टू बिलीव है कि असेसी की इनकम एस्केप्ड असेसमेंट हुई है। इनकम एस्केप्ड असेसमेंट का मतलब क्या है दोस्तों, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में कुछ रीजन टू बिलीव है कि आपने अपनी किसी इनकम पर टैक्स नहीं दिया। तो जैसे ही डिपार्टमेंट के पास वो रीजन टू बिलीव फ्रेम होता है, डिपार्टमेंट आपको एक सेक्शन 148 का नोटिस देता है। अब इस 148 का नोटिस का अभिप्राय क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थ्रू दिस नोटिस इज आस्किंग यू टू फाइल योर ITR फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। यानी मान लीजिए अगर आपको असेसमेंट ईयर 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 इन ईयर्स के नोटिसेज जनरली अभी आ रहे हैं, तो इन नोटिसेज में जब आपको 148 इन असेसमेंट ईयर्स के लिए आएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है भाई साहब आप इस ईयर के लिए अपनी रिटर्न भरिए। ठीक है, तो बेसिकली 148 के रिटर्न का मतलब, 148 के नोटिस का मतलब क्या है दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे रिलेवेंट असेसमेंट ईयर की रिटर्न मांग रहा है, जो आप स्वयं डिसाइड करेंगे कि अच्छा मेरी उस ईयर में क्या क्या इनकम थी। अब यहां दोस्तों अगला पॉइंट है, हाउ टू रिस्पॉन्ड सेक्शन 148 नोटिस। तो यू वुड सिंपली से सर कि भाटिया जी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने हमसे नोटिस देकर रिटर्न मांगी है तो रिटर्न भरनी है। बिल्कुल सर, रिटर्न भरनी है। अब बहुत बड़ा प्रश्न यहां पर ये उत्पन्न होता है, और द क्वेश्चन विच विल अराइज हियर इज दैट व्हेन अ नोटिस ऑफ सेक्शन 148 इज रिसीव विच हैज अ टाइम लिमिट फॉर यू फाइलिंग द रिटर्न, हाउ यू विल जज दैट व्हाट इज द इंफॉर्मेशन इन द डोमेन ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो उसका एक तरीका हो सकता है सर कि आप अपने फॉर्म 26AS को चेक करें कि आपके फॉर्म 26AS में ऐसी क्या चीज दिखाई दे रही है जो शायद आपसे अपनी ओरिजिनल रिटर्न भरते समय चूक गई हो, या आपने कभी रिटर्न भरी ना हो लेकिन डिपार्टमेंट को 26AS के थ्रू या किसी और डेटाबेस के थ्रू भी ये पता चल जाता है कि आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए, और इनमें से वन ऑफ द फेवरेट ट्रांजेक्शन जो डिपार्टमेंट पकड़ता है रियल एस्टेट के ट्रांजेक्शन, कैश डिपॉजिट्स के ट्रांजेक्शन, फिक्स डिपॉजिट्स आपने बुक करी हो वो ट्रांजेक्शन, आपके खातों में कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट इंटरेस्ट का आया हो जहां TDS कटा हो लेकिन आपने फिर भी अपनी ITR नहीं भरी हो, इस तरीके के ट्रांजेक्शन, कभी कभी सर ये कहानी सर्वे या सर्च के कारण से भी उत्पन्न होती है। सो व्हाट आई मीन टू से कि बिफोर यू फाइल अ रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू सेक्शन 148 यू शुड थिंक ऑफ कि ओके मेरे उस ईयर की वास्तविक इनकम क्या थी, और क्या मैं वो सारी इनकम अब अपनी सेक्शन 148 के रिटर्न में बताने जा रहा हूं, हाँ या नहीं। क्योंकि आपका ये रिस्पॉन्स सर डिपार्टमेंट के अगले एक्शन को प्रेरित करेगा। और यहां पर एक और क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा सर कि मान लीजिए आप रिटर्न तो भर रहे हैं तो आपने मेरे से बोला भाटिया जी फिर मैं कौन सा ITR फॉर्म भरूं, तो आई विल सिंपली सजेस्ट वन, यू शुड टेक दैट ITR फॉर्म विच इज एप्लीकेबल फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर ऑन यू, से ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7। उस विषय में आपके चार्टर अकाउंटेंट, आपके टैक्स एडवोकेट, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर वो आपको निश्चित रूप से हेल्पफुल रहेंगे। अब कुछ लोग मुझसे ये प्रश्न कहते हैं कि भाटिया जी, व्हाट इफ आई हैव ऑलरेडी फाइल्ड ITR प्रीवियसली अंडर सेक्शन 139। अगर मैंने ऑलरेडी 139 में रिटर्न भरी है और अब मुझे 148 का नोटिस आया है,
अब दो पोजीशन हो सकती हैं कि मुझे करना क्या है, या तो मैं कहता हूं जी वही रिटर्न है मेरी तो जो मैंने 139 में पहले से भरी है। 139 क्या है सर? सेक्शन 139 की रिटर्न, यानी जो आपने ओरिजिनल रिटर्न भरी। अगर आप ये कहते हैं कि साहब मेरी तो वही रिटर्न है जो पहले थी, तो भी सर आपको 148 में वही सिमिलर रिटर्न रिपीट करके ऑनलाइन अपलोड करनी है, आप स्किप नहीं कर सकते रिटर्न भरना। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे 139 की रिटर्न में कुछ चीजें आने से बच गई थी जो मैं अब दिखाना चाहता हूं, आप उनको भी शामिल करते हुए उनका भी टैक्स लायबिलिटी पे करते हुए 148 में रिटर्न भर सकते हैं। यानी अगर आपने प्रीवियसली रिटर्न भरी है तो भी आपको 148 सेक्शन के रिस्पॉन्स में रिटर्न तो भरनी ही चाहिए। तो नेचुरली सर एक प्रश्न यह भी उत्पन्न होगा, व्हाट इफ यू डोंट फाइल एन ITR इन रिस्पॉन्स टू सेक्शन 148। तो देखिए सर 148 के रिस्पॉन्स में रिटर्न नहीं भरना ये अपने आप में कोई रेमेडी नहीं है, यानी ये कोई सही आंसर नहीं होगा कि मैं किसी को बोलूं कि साहब आप तो मस्त रहिए, आपको क्या करना है 148 के रिस्पॉन्स में रिटर्न भरने की। 148 का नोटिस SSC को ITR भरने के लिए कहता है, यानी SSC को डिपार्टमेंट की ओर से एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी गई कि आप अपना पक्ष रखिए आपकी क्या इनकम थी, ठीक है। और अगर आपकी इस रिटर्न को आप भरते ही नहीं है तो डिपार्टमेंट ये ना सोचिए कि आपका असेसमेंट नहीं करेगा, असेसमेंट होगा 147 में, लेकिन फिर डिपार्टमेंट जो भी इंफॉर्मेशन उसके डोमेन में है, से फॉर एग्जांपल आपने एक FD कराई 10 लाख की, आपको गिफ्ट मिले थे कहीं से 10 लाख रुपए रिलेटिव से, अब वो 10 लाख रुपए गिफ्ट को आपने अपनी रिटर्न में नहीं बताया, नेचुरली बताने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि गिफ्ट इज नॉट कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन ITR इफ इट इज रिसीव फ्रॉम रिलेटिव्स। डिपार्टमेंट को लगा कि आपके पास 10 लाख का अघोषित आय था, अब आप 148 में केवल उस गिफ्टेड अमाउंट पर अगर आपने कोई इंटरेस्ट कमाया उसको बताइए, अपनी रिटर्न में निकल जाइए। कल डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेगा 148 147 के असेसमेंट में, पूछेगा जी 10 लाख कहां से आए, अगर आपने बोल दिया जी ये मेरे पिताजी ने माताजी ने या मेरे अन्य रिश्तेदारों ने दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर आए नहीं 147 के असेसमेंट में तो आप ये मान के चलिए कि डिपार्टमेंट वो 10 लाख पूरे एडिशन कर देगा। ऐसे ही दोस्तों क्या होता है, आपने कोई रियल एस्टेट बेची से 50 लाख की, अब उसकी कॉस्ट थी आपको मान लीजिए 48 लाख, तो आपको तो 2 लाख का ही गेन हुआ, तो यू आर सेइंग कि मेरी तो कोई इनकम ही नहीं है इसलिए आपने रिटर्न नहीं भरी, लेकिन रजिस्ट्रार स्टैम्प ड्यूटी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना मिली कि इस व्यक्ति ने 50 लाख की प्रॉपर्टी बेची, अब आप 148 के रिस्पॉन्स में रिटर्न भर नहीं रहे तो डिपार्टमेंट पूरे 50 लाख को कैपिटल गेन मान लेता है। इसलिए सर यह कतई हल नहीं है कि आप 148 के रिस्पॉन्स में रिटर्न नहीं भरे, अगर हम नहीं भरेंगे तो डिपार्टमेंट जो सूचना उनके पास है पूरी की पूरी आपके अगेंस्ट यूज करते हुए आगे बढ़ेगा, इसलिए सर रिटर्न तो भरनी है। अब सर ये प्रश्न है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। एक एसएससी के लिए इस प्रोसीजर को समझना बहुत जरूरी। असेसमेंट प्रोसीजर 147 का सर, अब आप मान के चलिए अगर आपके पास नोटिस आया 148 का तो फेसलेस ही होगा, फेसलेस होगा यानी सब ऑनलाइन होगा, तो आपको एक्टिव रहना है अपने यूजर आईडी के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लॉगिन आईडी के प्रति कि आपको कब कब डिपार्टमेंट नोटिसेस दे रहा है, आप उनका रिस्पांस करते जाइए। यानी मेयरली आप ये कहते हैं कि भाटिया जी मैंने तो 148 के रिस्पांस में रिटर्न भर दिया आपका काम हो गया, नहीं अभी आपको 148 के रिस्पांस में रिटर्न भरने के बाद डिपार्टमेंट और नोटिसेस देगा। क्या नोटिसेस देगा? उनके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके संदर्भ में एक्सप्लेनेशन मांगेगा। जैसे मैंने बोला जी 10 लाख रुपए गिफ्ट क्या है, तो आपसे बोलेंगे लाइए सर फिर गिफ्ट डीड दीजिए। आपने बोला साहब ये 50 लाख की प्रॉपर्टी मैंने बेची इसकी तो कॉस्ट ही 48 थी, बोले लाइए कॉस्ट का प्रूफ दीजिए, ठीक है। आपने कैश जमा कराए तो आप बोले साहब ये कैश तो मेरे पास पिछले साल का ही था, तो लाइए प्रूफ करिए पिछले साल में आपके पास इतना कैश था। सो दीज ऑल थिंग्स दीज ऑल प्रूफ्स यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 147 प्रोसीडिंग। इफ यू विल सबमिट ऑल दीज थिंग्स टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंटल अथॉरिटी तो आपका 147 कूल एंड काम मैनर में हो जाएगा, आप पर कोई जबरदस्ती एडिशन डिपार्टमेंट कर नहीं सकता, कर दे तो आप अपील में चले जाइए। और अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो सर फिर मैं बोल रहा हूं कि डिपार्टमेंट ने जितना रीजन टू बिलीव लेकर आपका केस शुरू किया था डिपार्टमेंट प्राइमा फेसाई उतने पर आपका असेसमेंट कर देता है। इसलिए सर प्रोसीजर 147 का कॉपरेशन का तब होगा जब SSC कॉपरेट करेगा, और जब SSC कॉपरेट नहीं करेगा तो डिपार्टमेंट भी सर एक्सपार्टे मैनर के अंदर यानी जो इंफॉर्मेशन उनके पास है उसको सही मानते हुए असेसमेंट में आगे बढ़ जाता है। इसलिए सर ये प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है और कॉपरेशन करते हुए जो निर्धारित सूचनाएं हैं जो वांटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको देते चलना है। तो दोस्तों इस वीडियो का पर्पस था कि जो रिसेंटली 148 के नोटिस आने लगे हैं
उनका हमें कैसे रिस्पॉन्स देना है एज अ लेमैन, मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता था। साथ ही सर, मैं आपका इस बात के प्रति भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि अगर आप 147 के असेसमेंट ऑर्डर, मान लीजिए आपको आ जाता है, आपके कॉपरेशन के बावजूद नेगेटिव आ जाता है, तो आपको अगर लगता है कि आपका स्टैंड बिल्कुल सही था, आप पर डिमांड गलत बनी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप अपीलेट अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हैं, यानी सीआरटी अपील में जा सकते हैं, आप रेक्टिफिकेशन 154 में फाइल कर सकते हैं, और आप सेक्शन 264 में रिविजन एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए आने वाले समय में, यदि आपको 148 का नोटिस मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई विश के अगर 148 का नोटिस आया है तो आप कॉपरेशन करा करके एक काम मैनर के अंदर आपका 147 बिना किसी सिग्निफिकेंट डिमांड के फिनिश हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर। और कोविड-19 की ये दूसरी लहर आपको, आपके परिवार को किसी प्रकार से नेगेटिवली इंपैक्ट ना करे, इन शुभकामनाओं के साथ भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।